हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम 20 स्टॉक्स की वॉचलिस्ट बनाने वाले हैं, जिनमें आप लोग बाय ऑन डिप कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं। बिजनेस बहुत अच्छा है इन कंपनीज का और फ्यूचर में ग्रोथ का पोटेंशियल भी अच्छा है, तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आप लोगों को अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी के अच्छे सपोर्ट्स कहाँ बन रहे हैं, जहां पर हम अच्छी खासी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। FIs, DIs का डाटा भी देखने वाले हैं और स्टॉक्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग नोटबुक रेडी रखिएगा, नोटबुक में लेवल्स भी नोट डाउन कीजिएगा और स्टॉक्स की वॉचलिस्ट भी आप लोग बना लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए निफ्टी 50 का डेली चार्ट पर हम एनालिसिस करेंगे। तो फ्राइडे का जो क्लोजिंग हुआ है वो आप लोग देखिए 17,250 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट भी था जो कि टूट चुका है और अभी कैंडल क्लोज किया है आप लोग देख सकते हैं 17,026 पर। अब नीचे की तरफ जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आ रहा है वो आ रहा है 16,696 का, तो ये लेवल आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा 16,700 का, 16,700 का लेवल नोट डाउन कर लीजिएगा। यानी कि फिर से अगर मार्केट में बड़ा डिप आता है तो लगभग 300 पॉइंट का करेक्शन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। उसके बाद भी अगर करेक्शन आता है तो वापस से अगर आप लोग देखिए 16,444 का है, जो कि ऑलमोस्ट वहां से 700 से भी कंसीडर करेंगे और 400 कंसीडर करेंगे तो फिर से आप लोगों को 200 से 300 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये किस कंडीशन में होगा? ये उस कंडीशन में होगा जब मार्केट में लगातार बेड न्यूज आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आप लोगों को बाइंग अप्रोच क्या रखनी है, किसी भी स्टॉक में एक साथ पूरा पैसा नहीं लगाना है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। और किसी भी स्टॉक को SIP मोड में ही बाय करना है। ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है और आप लोगों के माइंड में आया ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा तो सारा पैसा उसी स्टॉक में लगा दूं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों का पैसा एक ही स्टॉक में फंस जाएगा और आप लोग फिर मार्केट करेक्शन का फायदा बिल्कुल भी नहीं उठा पाएंगे। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, आप लोगों को पार्ट्स में बाय करना है, तो ये अप्रोच आप लोगों को रखनी है। तो अभी क्या होगा, वापस से 17,250 का जो लेवल होगा वो अब निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस बनेगा। अगर निफ्टी 50 को ऊपर जाना है तो सक्सेसफुली इसके ऊपर एक कैंडल ग्रीन कलर में क्लोज करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी ग्रीन कलर में अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज करनी पड़ेगी, तभी निफ्टी 50 वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। लॉन्ग टर्म में तो निफ्टी 50 को ऊपर जाना ही है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, न्यूज बेसिस या फिर मार्केट में कोई भी सीनेरियो हो, किसी कंपनी में बैड रिजल्ट आ जाए, कोई क्वार्टरली रिजल्ट खराब आ जाए, प्रमोटर से रिलेटेड न्यूज खराब आ जाती है, तब निफ्टी 50 में करेक्शन आता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए निफ्टी 50 का जो मेजर मूवमेंट है वो किन स्टॉक्स पर डिपेंड करता है, तो वो आप लोग देखिए। निफ्टी 50 में टॉप 10 जो स्टॉक है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा वेटेज है, उसके बाद HDFC बैंक आता है, फिर इंफोसिस आता है। तो इन स्टॉक्स में जब जब बड़ा डाउनफॉल आएगा तो निफ्टी 50 में आप लोगों को करेक्शन देखने को मिलेगा, और जब भी निफ्टी 50 में बड़ा मूव आएगा तो आप लोग देखेंगे ये स्टॉक सबसे पहले जो है स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि भागने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बैंकिंग सेक्टर में अगर आप लोग बाय ऑन डिप करना चाहते हैं तो HDFC बैंक नंबर वन बैंक है। IT सेक्टर में आप TCS या इंफोसिस में से एक स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं, फिर उसके बाद ICICI बैंक को भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर HDFC बैंक और ICICI बैंक को आप अपने पोर्टफोलियो में प्लेस दे रहे हैं तो उसके बाद आप लोग कोटक महिंद्रा को ऐड मत कीजिएगा। उसके बाद देखिए HDFC भी बहुत अच्छा स्टॉक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG सेक्टर में बहुत अच्छा स्टॉक है, और बजाज फाइनेंस को आप लोग किसी भी मार्केट करेक्शन में जितना नीचे लेवल पर मिलता है बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत अच्छा स्टॉक है और मार्केट लीडर है। तो इस तरीके से पूरा निफ्टी 50 जो है इन टॉप 10 स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड है, इनमें मेजर मूवमेंट आएगा तभी आप लोगों को निफ्टी 50 में अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो जो भी बिगिनर है या न्यू मार्केट में आए हैं
उन लोगों को अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक चाहिए तो टॉप 10 ये वाले स्टॉक में प्रेफरेंस पहले देनी चाहिए, लार्सन एंड टुब्रो में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अब देखते हैं एफआईज का डाटा। तो एफआईज का डाटा आप लोग देखिए, 26 नवंबर का डाटा देखिए, एफआईज लगातार सेल कर रहे हैं, यानी कि एफआईज यानी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो 5785 करोड़ की सेलिंग आई है। लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो डीआईज यानी कि म्यूचुअल फंड, तो ये लोग लगातार बाय कर रहे हैं, और 26 नवंबर को भी देखेंगे तो 2294 करोड़ का बाइंग आया। तो म्यूचुअल फंड लगातार अच्छे स्टॉक्स को लोअर प्राइस पर बाय कर रहे हैं। तो वो कौन से स्टॉक हैं जिन स्टॉक्स में ये लगातार पोजीशन बना रहे हैं? तो वो स्टॉक्स हैं, आप लोग देखिएगा कैसे स्टॉक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट आप लोग देखिएगा, मंथली चार्ट मैंने लगा कर रखा है, तो आप लोग मूविंग एवरेज पर ध्यान दीजिएगा। इस आप लोग देखेंगे ये ग्रीन कलर की लाइन के नीचे कभी हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक, यहां से देखिएगा 2000 ऑलमोस्ट 11 से अभी तक नीचे क्लोजिंग नहीं आई है कैंडल की। यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का वर्स्ट केस कितना है, 2198, यानी कि 2200 का। तो यहां से मैक्सिमम करेक्शन अगर होता भी है तो 100 पॉइंट का ऑर्बिट डिप आ सकता है। तो बाय ऑन डिप इजीली कर सकते हैं, हर 50 रुपए की डिप पर हिंदुस्तान यूनिलीवर को आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग देखिए एचडीएफसी एमसी है, बेस्ट बाइंग रेंज इसकी बनती है 2548 से 2240 और 2513 पर आ चुका है। तो एचडीएफसी एमसी आपको अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, तो इसमें भी आप लोग बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, वॉचलिस्ट में ऐड करके रखिएगा। सीएनजी बिजनेस में जाना है तो आईजीएल देखिएगा, बहुत अच्छे प्राइस पर आपको अवेलेबल हो रहा है, इसमें भी आप लोग एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आईजीएल का अगर आप लोग ऑब्जर्वेशन कीजिए यहां से, तो इसमें भी देखिएगा ऑलमोस्ट 2014-15 से इस ग्रीन कलर की लाइन, ग्रीन कलर क्या है, 30 सिंपल मूविंग एवरेज है, जो कि 452 है, जो कि इसका वर्स्ट केस है 486 पर है। तो जिसको भी क्वांटिटी एक्यूमुलेट करना हो आईजीएल की, तो बेस्ट टाइम है अभी आपके लिए। और आप लोगों ने सबने ये सोचकर रखा होगा कि जब भी मार्केट नीचे गिरेगा अच्छे स्टॉक को हम लोअर प्राइस पर बाय करेंगे, लेकिन जब स्टॉक के लोअर प्राइस आएंगे तब मार्केट में इस तरीके की सिचुएशन बनेगी, इस तरीके का फियरफुल एनवायरनमेंट बनेगा कि आप लोग स्टॉक को बाय ही नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसीलिए एसआईपी मोड में बाय करें। अच्छे स्टॉक को अगर बाय करना चाहते हैं, उनके बिजनेस पर आप लोगों को बिलीव करना पड़ेगा और आप लोगों को थोड़ा लॉन्ग टर्म का अप्रोच रखना पड़ेगा, तभी आप लोग बाय कर पाएंगे और एसआईपी मोड में ही बाय करना पड़ेगा। फिर आप लोग देखिए नेक्स्ट स्टॉक है कोलगेट पल्मोलिव का, बहुत अच्छे लेवल पर अवेलेबल है, इसमें भी आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। फिर आप लोग देखिए बर्जर पेंट का, बर्जर पेंट भी अगर देखें तो ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट केस क्या होगा, 700 रुपए के आसपास चला जाएगा, उससे भी नीचे जा सकता है, लेकिन बिजनेस जिस तरीके का है, एशियन पेंट और बर्जर पेंट बहुत अच्छी कंपनी है और लोअर प्राइस पर चाहिए, तो बर्जर पेंट ज्यादा अच्छे प्राइस पर आपको अभी अवेलेबल हो रहा है। अभी एक और स्टॉक में आप लोगों को डिटेल से डिस्कस कर लेता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखिए 2240 का, ऑलमोस्ट 2250 का लेवल आ रहा है और अभी 2413 पर चल रहा है। तो आप लोग प्रेजेंट लेवल पर भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसका चार्ट डिटेल में बताता हूं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप लोग देखिएगा एग्जैक्टली ये सपोर्ट जोन था 2340 के आसपास और वहां से ये स्टॉक बाउंस बैक किया, और रेजिस्टेंस था 2500 एग्जैक्ट, वहां से ये स्टॉक नीचे की तरफ आया। तो ये स्टॉक अगर वापस से आप लोगों को 2340 के आसपास मिलता है तो आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्वांटिटी ज्यादा ऐड करने के लिए। उसके बाद देखिए उसके नीचे सपोर्ट क्या आ रहा है, 2236 यानी कि 2240 का। उसके बाद सपोर्ट क्या आ रहा है, 2140 का, यानी कि रिलायंस में अगर आप बाय ऑन डिप करना चाहते हैं तो हर 100 पॉइंट्स पर ही आप लोगों को बाय ऑन डिप करना है, ऐसा नहीं कि यहां पर ही सारा पैसा लगा दे, इस तरीके की गलती मत कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को स्टॉक की लिस्ट बता देता हूं जो कि नीचे के लेवल पर चल रहे हैं और आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं उन स्टॉक्स की। तो आप लोग देखिए सबसे पहले जो स्टॉक है
वो है कोलगेट पल्मोलिव का, जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया है। उसके बाद देखिए आईटी सेक्टर में टीसीएस आपको अभी लोअर लेवल पर मिल रहा है, और जो भी ये वॉचलिस्ट बना रहे सभी में सीएमपी पर एंट्री किया जा सकता है। अमर राजा बैटरी देखिए, जिनके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस हो वही लोग इसको बाय करें, अदरवाइज इसको इग्नोर कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज को अवॉइड कर लीजिएगा, इसकी जगह आप लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर को कंसिडर कीजिएगा, इसको वॉचलिस्ट में डाल दीजिएगा। फिर आप लोगों को देखिए एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट आप लोगों को अच्छे प्राइस पर मिल रहा है। फिर आप लोग देखिए महानगर गैस है, महानगर गैस को भी कंसीडर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर लोअर वैल्यू पर चाहिए यानी कि लो प्राइस का स्टॉक चाहिए तो आईजीएल को भी कंसीडर कर सकते हैं। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज अभी लोअर वैल्यू पर मिल रहा है, एचसीएल आपको लोअर वैल्यू पर मिल रहा है, इन्फोएज आप लोगों को अच्छे लेवल पर मिल रहा है, लेकिन इन्फोएज थोड़ा रिस्की रहेगा इसीलिए आप लोग इसको अभी अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग वॉचलिस्ट में लगाकर जरूर रखिएगा। फिर आप लोग और भी स्टॉक्स देखिए, बजाज ऑटो, ऑटो सेक्टर अभी डाउन चल रहा है, इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म का व्यू रखना पड़ेगा तभी आप लोग एंट्री कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। टाटा एलएक्सआई भी अभी हाई प्राइस पर ही है, इसको भी आप लोग फ्रेश एंट्री मत कीजिएगा। उसके अलावा और भी स्टॉक्स हम लोग देखते हैं, फिर आप लोग देखिए एचडीएफसी बैंक अच्छे प्राइस पर आपको अभी अवेलेबल हो रहा है, करंट प्राइस पर एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद दीपक नाइट्रेट केमिकल सेक्टर का बहुत अच्छा स्टॉक है, इनफैक्ट अगर केमिकल सेक्टर की बात की जाए तो केमिकल सेक्टर में आप लोगों को 10 से 12 स्टॉक ऐसे अवेलेबल हो रहे हैं जिनका आप सेपरेट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। दीपक नाइट्रेट है, एल्काइल अमाइन हो गया, बालाजी अमाइंस हो गया, उसके अलावा रिस्की कंपनी में जाना चाहते हैं तो ब्लैक रोज हो गया, लक्ष्मी केमिकल हो गया, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं, तो इन सारे स्टॉक को वॉचलिस्ट में डालकर रख सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि मैं आप लोगों को ओवरऑल स्टॉक्स का आइडिया दे दूं जिससे कि आप क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर पाए। सन टीवी नेटवर्क बहुत अच्छा स्टॉक है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर भी कवर हो चुका है, जुबिलेंट फूड भी बहुत अच्छा स्टॉक है, इसका हम चार्ट देख लेते हैं जुबिलेंट फूड का। तो जुबिलेंट फूड अगर आप लोग देखोगे ना तो अपने सपोर्ट जोन पर है, एग्जैक्टली यही वाला इसका सपोर्ट रहने वाला है, कितना है 3593 का। तो यहां से अगर रिवर्सल दिखता है ना तो ये एक तरीके से क्या बना सकता है पैटर्न, आप लोग देखिए ये एक तरीके से डबल बॉटम बनाने का ट्राई कर रहा है। अगर यहां से रिवर्स होता है ना वापस से तो पहला टारगेट ये रहने वाला है और दूसरा टारगेट ये रहने वाला है, रेजिस्टेंस यहां पर फेस जरूर करेगा, तो आप लोग इसको भी एसआईपी मोड में कंसीडर कर सकते हैं। जुबिलेंट फूड से याद आया मुझे, आप लोग अभी किन इंडस्ट्रीज को अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज ये जो करेक्शन आया है फ्राइडे का कोविड की न्यूज के कारण ज्यादा आया है, तो होटल इंडस्ट्रीज स्टॉक में आप लोग अवॉइड कीजिएगा, टूरिस्ट वाली जितनी भी कंपनी है उसको अवॉइड कीजिएगा। उसके अलावा जुबिलेंट फूड भी डोमिनोज का जो है इसी को भी आप लोग अवॉइड कर सकते हैं, इस स्टॉक को भी, तो इस तरीके के स्टॉक अवॉइड कीजिएगा। उसके अलावा ऑटो सेक्टर को भी अवॉइड कीजिएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं, ऐसे सेक्टर हैं जिनको आप लोगों को इस सिचुएशन में अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आती है तो इन सेक्टर पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वहां पर कौन से सेक्टर चलने वाले हैं, आईटी सेक्टर चलने वाला है, उसके बाद फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा, उसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर बहुत अच्छा रहने वाला है, तो इस तरीके के सेक्टर आप लोगों को लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं, तो ये आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। और भी स्टॉक्स हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद देखिए एक्सिस बैंक को कंसिडर मत कीजिएगा, मुथूट फाइनेंस आप लोगों को बहुत अच्छे रेंज पर अभी वापस अवेलेबल हो रहा है, तो मुथूट फाइनेंस को आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए मनप्पुरम फाइनेंस को भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, वोल्टास को अवॉइड कीजिएगा। उसके अलावा और भी देख लेते हैं, तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो आप लोगों को अभी अच्छे रेंज पर अवेलेबल हो रहे हैं, इन सब की वॉचलिस्ट आप लोग बना सकते हैं।
और सारे के सारे अच्छे स्टॉक है। देखिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी बहुत अच्छा स्टॉक है, तो इस तरीके के स्टॉक आप लोगों के पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।